हेलो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स। हमने अभी तक क्या था, डबल फर्टिलाइजेशन में फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, दीज ऑल इवेंट्स आर नोन एज पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स। जैसे ही हमने फर्टिलाइजेशन किया था, वहां पर सिंगैमी हो रही थी, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा था, सिंपली हम बोल सकते हैं कि वहां पर फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट हो रहा था। उसके बाद की जो भी प्रोसेस होगी, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कौन से इवेंट है ये पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स। इसमें फर्स्ट आता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। कहाँ से बनेगा एंडोस्पर्म? जैसे ही कोई भी जो मेल गैमेट है, अगर वो पोलन न्यूक्लिय के साथ में फ्यूज करेगा, वहां पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, उसे एंडोस्पर्म बनेगा। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जैसे ही कोई भी जो एक मेल गैमेट होता है, वो एग के साथ में फ्यूज कर जाता है, जाइगोट, एंड जाइगोट डेवलप इंटू द एम्ब्रियो। नेक्स्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी ओवरी होगी, दिस वन इज द पार्ट ऑफ द पिस्टल, ओवरी कन्वर्ट इंटू द फ्रूट, एंड इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल, जो भी मेच्योर ओव्यूल कन्वर्टेड into the seed. So these are four main events which are known as post-pollination events. पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स में सबसे फर्स्ट जो इवेंट्स है, दैट इज एंडोस्पर्म। व्हाट इज एंडोस्पर्म? कि जैसे ही जो भी डबल फर्टिलाइजेशन में जो भी ट्रिपल फ्यूजन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल फ्यूजन? जैसे जो भी एक मेल गैमेट, जैसे वो दो पोलन न्यूक्लिया के साथ में फ्यूज कर जाता है, उससे क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PEN? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो भी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की जो सेल थी, उसमें कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन होगा, एंड इट फॉर्म ए न्यूट्रिशन मास ऑफ सेल विच इज नोन एज एंडोस्पर्म। जो भी एंडोस्पर्म की जो भी सेल होंगी, इनमें सभी में क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन से फिलअप हो जाएंगे, और इनका मेन फंक्शन क्या होगा कि जो भी जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होगा, उसको एंडोस्पर्म की सेल क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। देखो क्या बताया, जो भी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की जो भी सेल थी, उसमें कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन होगा, और उससे फाइनली क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। अब जो भी सेल थी, उसमें डिवीजन कैसा हो रहा है, उसके बेस पर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हमारे टू टाइप की, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं डेवलपमेंट के बेस पर हमारे एंडोस्पर्म टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंड सेकेंड वन इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। नाम से डिनोट हो रहा है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अगर जो भी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये जो भी सेल होते हैं, क्या होते हैं, इसमें ग्रुप ऑफ सेल, इसके जो भी सेल होंगे, उसका जो भी अगर सिर्फ देखो इस टाइप से, दिस वन इज अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस है इसके अंदर, अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, इसमें फ्री पोलर न्यूक्लियाई बन रहे हैं। आगे पोलर न्यूक्लियाई थे, फ्यूजन हुआ था, तो जैसे ही फ्री पोलर न्यूक्लियाई बन रहे, इस टाइप की जो भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है, हम इसको क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो भी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन, और न्यूक्लियस सारे के सारे क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेकेंड आता है सेलुलर एंडोस्पर्म। देखो इसका प्रोसेस करते हुए, जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, लाइक दिस न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, जो भी न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, अगर इन पर सेल वॉल लेट डाउन हो जाएगा, कंसिक्वेंटली क्या बन जाएगी, इन पर सेल वॉल का लेट डाउन हो जाएगा, यानी कि हम क्या बोलेंगे, इस टाइप की जो भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इज नोन एज सेलुलर एंडोस्पर्म। जो इसमें जो मेन एग्जाम्पल आता है, आगे इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, कोकोनट। कोकोनट का जो भी वाटर होता है, वो क्या होता है, वहां पर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंड द व्हाइट कर्नल, जो भी व्हाइट पोर्शन होता है कोकोनट का, वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। देखो अभी तक हमने क्या रीड किया, जो भी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म की सबसे पहले डेवलपमेंट कैसे होती है, ट्रिपल फ्यूजन से, उसके बाद इसके फंक्शन क्या हो जाएंगे, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो, फिर उसके टाइप्स की, इसमें जो भी डेवलपमेंट की स्टेजेस है उसमें कौन कौन से टाइप होंगे। नेक्स्ट हम इसमें कुछ कंडीशन पढ़ते हैं, देखना, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, यानी कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पर सबसे मोस्टली जो भी PMT वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, कि जो भी कोकोनट, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द कोकोनट, इट इज कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ कोकोनट। क्या बता दिया कि कोई भी जो एक सिंगल जो प्लांट होता है, उसमें टू टाइप के एंडोस्पर्म मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द लिक्विड एंडोस्पर्म, एंड सेकेंड वन इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। लिक्विड एंडोस्पर्म, देखो सिंपली एक कोकोनट को माइंड में लेके, उसमें जो भी व्हाइट, जो भी
वो टर्म जिसको बोलते हैं दैट आर लिक्विड एंडोस्पर्म, वो बनेगा किसे, जस्ट अभी बताया था फ्री न्यूक्लियर अगर डिवीजन हो रहा है यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं और उससे क्या बनेगा यहाँ पर लिक्विड एंडोस्पर्म। सो जो भी वॉटर होता है, वॉटर ऑफ द कोकोनट वो कौन सा होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म। नेक्स्ट आ जाएगा सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म देखो फ्री पोलर न्यूक्लियर वहां पर डिवीजन हो रहे थे, जैसे ही वहां पर सेल वॉल ले डाउन हो जाएगा तब कौन सा एंडोस्पर्म बन जाएगा वहां पर, सेलुलर एंडोस्पर्म। यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, जो भी कोकोनट होता है उसका जो व्हाइट कर्नल होता है वो कौन सा होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट एंडोस्पर्म इज हार्ड एंड स्टोनी इन सम प्लांट, एग्जाम्पल दे दिए इसमें डेट पाम। डेट पाम जो भी प्लांट होता है इसका जो भी एंडोस्पर्म होगा वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा, बहुत ही ज्यादा स्टोनी होगा, लेकिन इसके मेन फंक्शन क्या हो जाएंगे, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। नेक्स्ट आता है रूमिनेंट एंडोस्पर्म। ये दोनों के दोनों जो भी पॉइंट्स हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूमिनेंट एंडोस्पर्म में हम क्या बताते हैं, समटाइम द एंडोस्पर्म मे बी इरेगुलर, इस टाइप से जो भी एंडोस्पर्म होगा या तो वो कंप्लीट खुद ही इरेगुलर हो जाए या फिर क्या होगी इसकी सरफेस लेयर यानी जो भी इसको लेयर कवर करेंगे उसकी वजह से अगर इरेगुलर हो जाए तब इस टाइप का जो भी एंडोस्पर्म होता है हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट एंडोस्पर्म। व्हाइल द एंडोस्पर्म इज इरेगुलर ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ इटसेल्फ और ड्यू टू द सरफेस लेयर विच सराउंडेड द एंडोस्पर्म, दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज नोन एज रूमिनेंट एंडोस्पर्म। नेक्स्ट जेनिया, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो इन पीएमटी। क्या बता दिया, जो भी पोलन पोलन अगेन फर्टिलाइजेशन में हम चलेंगे, जो भी पोलन ट्यूब थी वहां पर जो भी पोलन ग्रेन बन रहे थे, मेल गैमेट बन रहे थे, तो जैसे ही जीनोटाइप क्या होता है, कोई भी जो प्लांट होता है या फिर कुछ भी जो भी ऑब्जर्वेबल जो भी करेक्ट है उसका जो भी जेनेटिक जो भी कंस्टिट्यूशन होती है उसमें जीन कौन कौन से होते हैं, अगर पोलन के जो भी जीन का इफेक्ट अगर एंडोस्पर्म पर पड़ता है तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, जेनिया। एंड इट इज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द फोक इन 1881। तो ये हमारी कंप्लीट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है। फर्स्ट पॉइंट ट्रिपल फ्यूजन से बन रहा है, सेकंड पॉइंट नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, थर्ड पॉइंट उसमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा या फिर सेलुलर एंडोस्पर्म बनेगा, फोर्थ हमने किया कि जो भी कोकोनट में कैसे बनेगा, नेक्स्ट हमने बता दिया हार्ड और स्टोनी किसमें होता है, रूमिनेंट एंडोस्पर्म कौन सा होता है, जेनिया कैसे होता है। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द एंडोस्पर्म। थैंक यू।